Hello, Cornwall. Welcome to Shoaib, Dr. Monika Show on Radio SNS Cornwall. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. शोएब जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप समय आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ. आप थोड़ा ज्यादा ही ठीक है. आप जब शो पे आए हो ना, तो तब देखने को मिले हो. वैसे आप बस पता नहीं कहाँ रहते, कहाँ खोए रहते हो, छुपे रहते हो, कुछ तो बताओ. हाँ जी, सबसे पहले तो मैं तमाम अपने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल एंड बोंजोर. तो आप जैसे बात कर रहे थे, कहाँ होता हूँ भाई. बात ये है कि मसरूफियत एक तो काम काज की हर की, तो मसरूफ को आपको पता है कि चलो शुक्र है कि आप रेडियो के बहाने ही आपसे मुलाकात हो जाती है कभी कभी. और दूसरा देखो ना, बात ये है कि कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं बिजी होता हूँ. जब मेरे पास टाइम होता तो आप बिजी होते हैं. तो यहाँ के तो आपको पता मामला ऐसे ही होते हैं. तो एक मौलवी साहब थे ना, तो वो कहीं हलवा खा रहे थे और बड़ी बेदर्दी से खा रहे थे. तो एक बंदा उनको ना बड़ा वाच कर रहा था. तो उनके पास आया, कहने लगा कि आप कभी घर भी ऐसा खाते हैं? तो वो मौलवी साहब कहने लगे, भाई बात ये है कि कभी घर में सूजी नहीं होती, कभी घी नहीं होता और कभी चीनी नहीं होती. अगर सारी चीजें हो तो मैं घर नहीं हूँ. तो बाद में हमारा भी कुछ मामला ऐसे ही है लग रहा है. शोएब जी, आपको याद है कि मैं और मानस चीजा खाने गए थे, वहाँ से हमने कॉल किया था आपको और आपने हमें ज्वाइन नहीं किया. भाई मैं जॉब पे था और ये आप पहले क्यों नहीं आपने बताया? ये तो वही बात, देखो ये तो वही बात हुई ना कि नाच लाने वाली बात. ये बात नहीं थी, कसम से नहीं थी. बात ये तो देखो साहब वाली बात होगी ना, फिर करा करो तो खा लिया करो. आप भी आपने भी इतना ही दी है कि हम खाने जा रहे हैं भाई. ये जाती है, जाती है. देखो कई साल हो गए हैं, अब बहुत ही मन करता है कि अपने लोगों से मिले, अपने अपने खाने खाए. ये वो तो एक मसला ये भी है ना, क्या आपको अच्छे लोग अच्छा खाना तलाश करना पड़ता है. बिल्कुल करना पड़ता है. सही बात है, सही कहा. हाँ शोएब जी, खाने से तो अपने देश की याद आ गई कि कई साल हो गए हैं यहाँ आए और अब भी बस कई कभी कभी अपने देश का खाना मिलता ही नहीं है और तलाश करना पड़ता है. भाई अपने देश की तो बात ही अलग है. तो मुझे भी आज 15-16 साल हो गए हैं यहाँ आए. तो पिछले दिनों में हमारे मैं ना गैस निर्माण गया, तो हमारे एक दोस्त मैं गया तो उनका वो काम कर रहे थे. तो मैं अपनी दादी में तो कहने लगे, भाई देखा तो मुल्क को क्या हो गया? तो मैं डर गया, मैंने कहा क्या हुआ? कहता देखो कितनी स्नो पड़ी है. और मैं पाकिस्तान में कुछ हो गया. मैं यार ये रोड मामला ये छोड़ो इसको. तो मैं डर गया, मैंने पता नहीं क्या हो गया. तो अभी भी कहीं ना कहीं हम पीछे ही बैठे हुए हैं. तो इसकी एक वजह भी है मेरे ख्याल कि जो दरख्त होता है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते. हाँ दरख्त तो नहीं लगा, जबकि छोटा पौधा होता है ना, बिल्कुल उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं. सही बात. तो शायद यही मेरे ख्याल में वजह है कि जब हम मैं कम अज कम किस उम्र में आया हूँ. हाँ. तो शायद अभी भी हम बिल्कुल सही कहा आपने कि बचपन से तो लोग ढल जाते हैं ना नए माहौल में, नए लोगों में, नए कल्चर में. लेकिन जब पहले ही बड़े होते हैं तो आपकी आदतें सेट होती हैं, यादें सेट होती हैं, सब सेट होती है. तो एडजस्ट करना. दूसरा पता क्या, जिन लोगों को नहीं आना चाहिए तो वो आ गए, और जिनको आना चाहिए था वो अभी वहीं बैठे. हर बार यही होता है, कोई भी प्लान चल जाए, कोई स्कीम चल जाए, सरकार की कोई योजना चल रही हो तो बस ऐसे ही. मैं ना और दोस्तों के साथ ना बाजार से अपने शहर से गुजर रहा था, तो एक साथ मिले तो बाइक से आए थे कहीं से. तो मेरे दोस्त से जाने वाले थे. तो उसने उससे पूछा कि तो असलाम के बाद कि आप किस सिटी में होते हैं?
कहता कार में गर्म पड़ेगा। ऐसा मुझे समझ नहीं आई कि कार में गर्म पड़ेगा, तुझे पता नहीं किस स्थिति में है तो यहाँ आके मुझे पता चला कि वाकई ऐसा हो सकता है कि लोग बाहर ही निकलते काम काज इतने मजबूर। तो सही बात है, तो मेरे ख्याल में ये ऐसा मुमकिन, उस वक्त बड़ा ही कसम से बड़ा अजीब लग रहा है कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो एक ऐसे ही ना मरे गए, मेरे मेरे एक दोस्त थे उनके रूममेट थे, तो एक दिन बैठे तो वो बात सुना रहे थे कि 90s में, अगली 90s में कहते मैं आया हमारे साथ एक ना वहाँ हमारे मंडी हॉल दिन एक जगह है वहाँ के कोई साथ थे, तो उसे सीधे ही गांव से सीधे ही आ गए कनाडा। तो कहते एक दिन ना वो वॉशरूम गए तो अंदर से ना बड़ी अजीब अजीब और आवाज आई थी उसे मुड़ मन बचा हो जैसे बाहर गया जाए मैं। अरे अरे तो हम बड़े परेशान हुए क्या हुआ, तो दरवाजा आ गया ना और अंदर से चीज आवाज है, तो हमने 911 मारा और एम्बुलेंस प्लीज सब आई, तो दरवाजा जरा पुराना था ना तोड़ सकते प्लीज का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर देखा कि उनकी टांगे ऊपर सर नीचे और जो टॉयलेट सीट वो दो स्तर में थी। तो वो पुलिस वाले भी सब कि ये कैसे मुमकिन है, वो आज तक महल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वह क्या है एक्चुअली, आपको पता क्या वो पंप रात के ऊपर चीज के उनको पता नहीं था। तो बार दफा ऐसे लोग भी यहाँ आ जाते हैं। अच्छा बंदा एक नहाने गया ना तो उन्हें से बड़ी आवाज दम की आवाज है, तो भाई जो लोग क्या हुआ कहते जी कमीज गिरी है, कहते इतनी आवाज कहते उसमें मैं भी था। तो ऐसे ऐसे ये लोग भी यहाँ आपको नजर मेरे ख्याल में ऐसे ही लोग एक साहब आए ना हाँ। तो उनको कोई ना चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और डॉक्टर लग गया, डॉक्टर नेक्स्ट के जो एक्सरे करवाए वो बंदा जनाब गया तो बस बैठे। तो अच्छा आपको तो पता है यहाँ पे हर कोई स्माइल दे रहा है उसको, तो वो साहब जनाब उन्होंने समझा कि वो जैसे वो पंजाबी मर गया हंसी का हंसी ही है, वो कोई उनके खाबों में कुछ और ही चल रहा है, हालांकि बीमार है बेचारे अभी बीमार है क्या। तो वो उनको लेके एक्सरे रूम में गए, दरवाजा जरा बंद किया के वो गोल पहनाने के लिए उम्मीद कर रहे, तो आगे से कहते पहले एक्सरे ना कर लें। वो क्या हाल है। अच्छा वो बात वॉशरूम से चली थी। अच्छा वॉशरूम से याद आया हाँ। एक तो बंदा था उसने कहा वो एटम से याद आया भाभी का क्या हाल है। तो एटम बम से याद आया, वॉशरूम से याद आया कि वो बंदा ना तो जैसे यहाँ से आप जाते हैं तो होते ही आपको मैकडॉनल्ड ले चले बर्गर किंग ले चले ऐसे सारे वहाँ आजकल है, तो बनता था मुझे टुक्कर खुआ देसी खाना, मैंने ये चीजें खा करके टांग आ गए मुझे कोई ना देसी चीज खिलाई थी। तो वहाँ नीला गुंबद है नारकली गुजार पंजाब यूनिवर्सिटी नारकली उसका नीला गुंबद साइकिलों की वहाँ बड़ी दुकान है, तो वहाँ चलने वाला एक बड़ा मशहूर है गुलाम रसूल, तो उसके गले खा रहे हैं। अब वो मैदा उस तरह तो नहीं है मसाले वहाँ होते हैं लेकिन वो सबसे अच्छे उसके चीज है, तो वो नान के साथ उसने खाए वही सब कन्फ्यूज हो गया। अब उसे यूनिवर्सिटी में काम था तो यूनिवर्सिटी में साथ ही उसे वॉशरूम जाने की हाजत हुई हो गया, तो अब जोर लगा रहे वो कब्ज अजीब है। तो ऐसे ही है ना कि कहते हैं ये नान काट ले ये नान काट ले यही हाल होती है बेचारा। तो सामने ना दीवार पे एक सिकरा लिखा होता है कि इतना जोर तुम ना पढ़ाई पे लगाते तो आज किसी अच्छी सीट पे बैठे हो।
हाँ जी शोएब जी, मौसम आज का देखिए बाहर कैसा है। अभी गर्मी लेट तो आई है लेकिन फिर भी मौसम में थोड़ी बहुत गर्माहट आ रही है। और आपको पता है ये मौसम किस चीज का मौसम है? शादियों का। स्पेशली यहाँ पर कनाडा में सर्दियों में तो इतनी बर्फ वगैरह पड़ती है तो सारी की सारी शादियाँ तकरीबन समर में ही बुक होती हैं। लेकिन जैसे आप बात कर रही हैं, मुझे एक शिकवा भी है शादी से। शादी से मसलन जैसे जब रिश्ते की बात होती है तो कभी कोई किसी बंदे से तहकीक नहीं की कि लड़का क्या करता है, लड़की की शादी होती है। आपका मतलब कि जब कोई पाकिस्तान जाए जैसे कोई, अच्छा, वो ये पूछेंगे जैसे कि लड़का अमेरिका होता है, कनाडा होता है, वहाँ क्या करता है, ये कोई नहीं पूछता। तो ये समय चले कि बस वहाँ पहुँच गए तो बस। तो मेरा एक दोस्त है ना, और उनकी वालदा अपने ना भाई के लिए रिश्ता देखने गए। उनके भाई की उम्र उसको तकरीबन 50 के लगभग थी और लड़की की उम्र 21 था। अच्छा। जब उनके घर गए तो उनकी वालदा बड़ी नतीज था, तो उनकी बचपन जानता था, तो वो कहने लगी कि आपको पता है लड़के की उम्र कितनी है। अच्छा, हम नौकरी के लड़के शादी हो कोई तो 100 साल की उम्र होना उसे लड़का ही होता है। बनता था ना तो बार बार टांगे के आगे आ रहा था। अच्छा। तो किसी ने कहा कि तू बार बार आ रहा, तू आवाजें दे रहा है, तू सुनता नहीं। कहता है वो जरा उम्र बुरा था थोड़ा सा, उसने कहा देखे जी जब वो कहता है ना मुझे तो बच्चों जुआना तो मुझे बड़ा मजा आता है। ये जितनी मर्जी उम्र हो जाए वो जब मर्जी की जवानी है ना वो वही की वही है। तो आंटी कहने लगी कि वो आपको पता लड़की की उम्र कितनी है? उसकी माँ कहती थी हमें तो कोई 25 के ऊपर का नहीं लगता। तो वो जो लड़का साहब थे वो कहने लगी अम्मी जी आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे मामला देखे जब रिश्ते ऐसे होंगे बेजोड़ रिश्ते, बिल्कुल फिर कई मामला होते हैं ऐसे ही ना। एक बंदा गया था अमेरिका में था, तो उसने एक एजेंट को पैसे दिए 30 लाख रुपए दिए कि अपनी मंगेतर को वो 30 लाख में 30 लाख डॉलर या रुपए? रुपए। ओके ओके माय गॉड। 30 लाख रुपए दिए। अच्छा। कि मंगेतर को यहाँ लाना, ये लीगल नहीं है ना? लीगल तो नहीं लेकिन चलता है। आपको एजेंट ने उसको अपनी वाइफ जाहिर किया। अच्छा। और यूरोप का कोई मुल्क था वहाँ उसने डिपॉजिट डाला और एक महीना वो उसके साथ रहा। ओह माय गॉड। तो वो जब बीजी से फोन कर रहा वो कहता जी भाई अभी तो हालात ठीक नहीं, हालात ठीक नहीं है, वो वहाँ बैठा हुआ था। तो जब और जब वो अमेरिका पहुँचे वो लेने आया बस, तो लड़की ने साथ जाने से इनकार कर दिया। लड़की ने वो अपने मंगेतर के साथ जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, वो क्यों? वो कहती मैं तो उसके साथ जाऊंगी। उसके साथ रही है तो अच्छा, तो वो कहता है कि मेरे 30 लाख वापस कर दो, मुझे लड़की चाहिए भी नहीं। हाँ, इस तरह से तो नहीं। तो एजेंट कहता है मुझे क्या, मैं आपने यहाँ कहा कि अमेरिका पहुँचानी है आप ले गए। वो कहते हैं मैं ये एग्रीमेंट हो रहा आप ले गए, अगर वो नहीं जा रही तो मेरा क्या कसूर? तो इतना वो मसला बन गया। तो एक आदमी उसको ले नहीं रहा है, दूसरा उसको वो भी नहीं ले रहा है, तो वो भी नहीं जा रही बात है ना। लेकिन आप यहाँ आने के लिए कैसे कैसे चीजें आते हैं, सही बात है, वो बड़ी खिचड़ी बन। हाँ, ऐसे काफी वाकयात हो जाते हैं यहाँ पर आने के लिए बहुत कुछ लोग। और ऐसे ही एक साहब गए रिश्ते के लिए वैसे से, तो उन्होंने लड़के को जब देखने गए तो कहते हैं कि आपको कुरान पाक की आयत थी, तो कहते हैं सूरत में कहते हैं आपको वो आती है, वो आप टेस्ट ले रहे थे ना। अच्छा, अमरीका आने के लिए। तो वो कहते हैं मुझे नहीं आती, तो उसका छोटा भांजा बैठा हुआ था, सर मुझे आती है। तो उनकी बहन बैठी थी, वो कहती फिर इसको ले जाए। ऑफ कोर्स, रहने दो, मान ले तो ले।
बहुत ही अजीब लोग आज का ऐसा कि बड़ा मजे का एक लोग है कि दोस्त मिलने आया तो वो कहता है कि भाई वो तुम्हारी मोहब्बत का क्या बना, कहता जी वो तो नाकाम हो गई तो वो तो कुछ नहीं बन सका। तो कहता तुमने बताना था ना कि तेरा डैडी अमेरिका होता है, कहता बताया था, लड़की ने डैडी से शादी कर ली, अब मेरी वो माँ है। ये बार की कटवार है। ओह माय गॉड, सही बात कही हो सकता हमें नहीं जानना, हम जहाँ है वही ठीक है। तो ये है शादियों का हाल, और शादियों के लिए कौन कौन सी हदें पार करनी होती हैं। देश के लिए हदें नहीं पार करेंगे, शादी के लिए कर लेंगे। तनाव नहीं है। बाबा बोले चाहते ना बड़ा खूबसूरत कुछ इशार है, बहुत खूबसूरत है, उनको कौन नहीं जानता। मैं आपके साथ दोस्तों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वे बंदियाँ माना के पक्षी देख किसी की कर दे ना हो कर दे रिजक जखीरा ते ना हो भुखे मरते हैं, कदे किसी ने उड़दे पंछी भुखे मरते देखे, बंदे ही करन रिजक जखीरा ते बंदे ही भुखे मरते हैं। तो ये हमारे ही बुने हुए जाल हैं और हम ही उनमें धागा भिगो के रहते रहते हैं और जाल बस बनता जाता है, बुनता जाता है और हंसते जाते हैं। शिवराज जी, एक बात बताए, आज की चाय कौन बना रहा है? चाय कौन बना रहा है, मुंह कौन बना रहा है? ये भी सही है, ठीक है, इस बात से कोई हमारा तकरार ना हो, प्रोग्राम चलता रहे। अच्छा प्लीज आज की चाय भी आप ही बनाओ प्लीज। चाय भी आ रहा है, एक बंदा था तो उसकी वाइफ ने कहा कि चाय बनाओ, वो जनाब है ना उठ के ना बाहर जाने लगा, तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कहना मैं वकील के पास जा रहा हूँ और तुमसे जान छुड़ानी है मुझे। ओह माय गॉड, ऐसा एक चाय के पीछे उसको पता है क्या की गलती हो बात हो। तो फिर आने घंटे घंटे में वापस आया, चुपचाप चाय बना लेना शुरू कर दी ना। इंटरेस्टिंग। तो वैसे ने पूछा कि भाई तुम वकील के पास गया, कहता गया था वो आगे से बर्तन धो रहा था। एक इश्यू है शिवाज जी, आज तो प्रोग्राम तो धड़ाधड़ होते हैं, वो तो चाहे वो सर्दी गर्मी का भी उसमें कुछ नहीं होता, सारा साल ही होते हैं, लेकिन पिछले थोड़े से सालों से ना बस लोगों की तलाश कम 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 ही होती जा रही है, इतना बात है। मसरूफियत है या कोई और उन्होंने शौक पा लिया हो, ये भी हो सकता है, इनका हमें नहीं पता है। एक बंदा तो उसकी वाइफ मारी तो उसके जनाजे के ना आगे भी कुत्ता जा रहा था। अच्छा, तो पहले मैंने पूछा कि भाई ये कुत्ता जनाजे के साथ, कहते इसी के काटने से मरी थी, तो कहते एक दिन क्यों मुझे दे दो। तो कहते कि जो लोग पीछे लाइन में आ रहे हैं ये सारे इसी के लिए आए हैं, पीछे से अगर तुम्हें चाहिए तो पीछे लाइन में लग जाओ, तुम सुना दे कोई बात ज्यादा ऐसे ही होता है कि कोई और काम लोग किसी और काम से पहुंचे होते हैं। बात आपकी सही है, मार पड़ेगी। शिवाब जी ये तो मैं भूल ही गई, हैप्पी रमजान, रमजान का महीना चल रहा है और आपके रूप से कैसे चल रहे हैं? बड़े अच्छे चल रहे हैं, बहुत आजकल खाना पीना बड़ा जबरदस्त, अरे पहले से भी बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बारह चार से मिलना मिलाना। तो ये रमजान है मेरा ख्याल में बड़ा क्लोज भी पत्ता कर, आज हमारे तरफ दावत है, कोई अच्छी तरह से मसरूफ है। अच्छा बड़ा अच्छी बात है, रोजे तो एक रोजी है साथ से मिलना मिलाना, वो बड़ी जाता है प्रदेश में, तो बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा ये रमजान चल रहा है,
इवन मेरा कजन है वो अल्बर्टा से आ गया कि यहाँ की वो दुधाक थे और हाँ। वो मजा है ना तो सही है तो वो मिस करता तो वो मिस नहीं करता वो आ जाता हर साल आता मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ अच्छा जो वो रमजान में पूरा रमजान यहाँ गुजारता तो अच्छा एक बड़ा मजे का ना एक यहाँ मुस्लिम साहब भी पूछते हैं लोग तो किसी ने मौलवी साहब से ना मसला पूछा कि भाई अगर रोजा रखा हो हाँ। तो रोजे में आप वाइफ को आई लव यू बोल सकते हैं तो हाँ। वो कहते हैं कि ठीक है बोल सकते हैं अगर वो बीवी किसी की हो ना हाँ। तो वो फिर आपकी टांगे भी छोड़े बराबर क्यों छोड़ेंगे तो फिर आपके खून निकलेगा हाँ। खून निकले से रोजा टूट जाते हैं अरे और अगर बीवी आपकी अपनी है हाँ। तो उसको आई लव यू बोलो तो झूठ बोलने से भी आई लव बोलने से रोजा टूट जाता है अरे वो इधर में एक औरत ना हाँ। एक कबर पे ना पंखा चल रही थी अच्छा एक बंदा गुजरा तो बड़ा अजीब लगा अजीब भी तो लगा कवर पे पंखा क्यों चलाया उसने ना उससे पूछा कि ये किसकी कवर है क्योंकि मेरे मियाँ की कवर अच्छा बड़ी देख हो तो उसने कहा तो उसको तो कोई हवा तो जाती नहीं होगी मिट्टी है उसका क्योंकि नहीं वो उसने कहा था मेरे मरने के बाद मेरी कवर की जब तक मिट्टी खुश्क नहीं होती ना तो दूसरी शादी नहीं कर सकती कोई कभी उल्लू का पट्टा तो रोज आगे पानी ज्यादा से पहुंचे हुए लोग क्योंकि मैं रोज सुखाती हूँ मट्टी आगे नहीं पानी बस यहाँ तक ये मामला जैसे ही है यहाँ आपको सब अकलमंद नजर आएगी दर्दमंद कोई नजर आएगा सही बात है अगर मशवरा ना एक से मांगोगी हजार देंगे और मदद हजारों से मांगो तो एक देगा शायद मजा तो बड़ा आ रहा है पर रिचार्ज तो लेनी है हाँ। तो जाने से पहले सागर जी के पास में खूबसूरत बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में अंटिल द नेक्स्ट टाइम बाय बाय चाचा सी यू फिर मिलेंगे यस बाय बाय